नमस्कार, मैं रजनी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोंडा। तो आइए चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। गोंडा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में लगातार 5 वर्षों से आयोजित हो रहे जीपीएल में आज तीसरे स्थान के दावेदारी में सुपर 11 की टीम ने गोंडा टाइगर्स की टीम को हराकर अपना स्थान सुरक्षित किया, जिसमें गोंडा टाइगर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 125 रनों के लक्ष्य रखा, जिसे सुपर 11 की टीम ने 18 ओवर में ही हासिल कर मैच को जीत लिया, जिसमें आर्यन प्रताप की धुआंधार बल्लेबाजी की नाबाद 61 रन बनाए। वहीं कल गोंडा ब्लास्टर और कोबरा 11 के बीच दिन के 12 बजे फाइनल मैच खेला जाएगा। आप आएंगे आर्यन प्रताप, जोरदार तालियों से स्वागत, संयुक्त रूप से इन्हें प्रदान करेंगे दोनों मिलकर। अलहीरा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन का किया उद्घाटन। महागामा अनुमंडल अंतर्गत हनवारा थाना क्षेत्र में अलहीरा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन में महागामा पश्चिमी जिला परिषद अब्दुल मन्नान द्वारा उद्घाटन किया गया। यह फंक्शन अलहीरा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अयूब आलम द्वारा रखा गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा झांकी एवं एक से एक कला का रंगारंग कार्यक्रम दिखाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, बसंतराय जिला परिषद अब्दुल वहवाब अबुल कलाम आजाद, कॉलेज के डायरेक्टर रुस्तम अली एवं बच्चों के सारे गार्जियन भी उपस्थित हुए। ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों हुए आदिवासी लड़की के दुष्कर्म के मामले में आरोपी चितरकोठी निवासी कुर्बान अंसारी को आज ललमटिया थाना प्रभारी जनार्दन सिंह के नेतृत्व में छापामारी के दौरान आज गोड्डा के असनबनी चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया। कुर्बान अंसारी को जेल भेज दिया गया। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अभियुक्त पकड़ा गया। अनुमंडल स्तरीय हुई बैठक। महागामा अनुमंडल अंतर्गत ग्राम विश्वा खानी में अनुमंडल स्तरीय बैठक आहूत हुई, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश सिंह ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिनांक 11/1/2019 को काला डुमरिया मैदान में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश एवं अन्य जिलाओं के जिलाध्यक्ष एवं सचिव को आमंत्रित किया जाएगा। महागामा प्रखंड अंतर्गत कोयला पंचायत के मुसहरी टोला में आज अंचलाधिकारी के आदेश के अनुसार कंबल का वितरण किया गया, जिसमें गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल का लाभ मिला। इसके दौरान प्रकाश मंडल राजस्व कर्मचारी द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों को कुल 50 कंबल का वितरण किया गया, जिसमें वार्ड मेंबर प्रभु मांझी, उप मुखिया पति मोहम्मद खुर्शीद आलम, अयूब मंसूरी, वार्ड नंबर 8 एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। जेटेट अभ्यर्थी ने बुलाई बैठक। कहा, सरकार की ओछी नीति का शिकार हो रहे हैं जेटेट पास अभ्यर्थी। 2016 में जेटेट पास होने के बाद भी अब तक भटक रहे हैं लोग। कहा कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है तो उग्र आंदोलन को होंगे बाध्य। दीपिका पांडे सिंह राष्ट्रीय महिला कांग्रेस सचिव बनी। आज राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के निर्देशानुसार दीपिका पांडे सिंह को राष्ट्रीय महिला कांग्रेस सचिव मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुष्मिता देव ने नई जिम्मेदारी का पत्र सौंपा। दीपिका पांडे सिंह जी पूर्व युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव महासचिव रही है और उन्हें 21 राज्यों में युवा कांग्रेस में कार्य करने का अनुभव मिला। साथ ही दीपिका पांडे सिंह को राष्ट्रीय महिला सचिव बनाए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। अब आपके शहर गोंडा में भी खुल गया है टाटा मोटर्स का शोरूम। न्यूनतम पेमेंट पर फाइनेंस की सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें आशा कमर्शियल व्हीकल, छुरिया बाबा के निकट, पैती रोड, गोंडा। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, आपके साथ हर कदम। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज गोंडा।